हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब की न्यू वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक म्यूजिक रिएक्टिव लाइट बनाएंगे जो कि म्यूजिक के साथ साथ ब्लिंक करेगा। इसको आप बेस के साथ साथ भी कर सकते हैं, तो आगे बताऊंगा कैसे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरा सर्किट को बनाने के लिए आपको बस ये दो कंपोनेंट चाहिए, एक रेजिस्टर और एक ट्रांजिस्टर। दोस्तों, ये जो रेजिस्टर है इसका वैल्यू है 220 ओम। इसको आप 100 ओम से 1 किलो ओम के बीच में कोई भी रेजिस्टर लगा सकते हैं। लगा के देखिए कौन सा अच्छा इफेक्ट देता है, तो वही रहने देंगे। ओके, ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। इसका कोड है MJE 13003। तो इसको आप अगर ऐसे पकड़ेंगे, ये हीट सिंक वाला साइड को पीछे रखेंगे, तो आपको पहले जो पिन मिलेगा ये है बेस, बीच में कलेक्टर और साइड में ये राइट साइड में एमिटर। ओके, तो एमिटर हमेशा माइनस होता है, तो सभी का माइनस इसमें लगेगा। बीच की कलेक्टर पिन में लगेगा LED स्ट्रिप का नेगेटिव, बेस में लगेगा ये रेजिस्टर, और यहाँ से आपको इनपुट देना होगा ऑडियो लाइन से। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं माइक यूज नहीं करूंगा, मेरे पास एक एम्पलीफायर है, उसका स्पीकर की लाइन को यूज करूंगा। तो इससे काफी अच्छा इफेक्ट देता है। माइक यूज करते हैं तो ज्यादा ट्रांजिस्टर लगाना होता है एम्पलीफाई करने के लिए, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता है। आज हम सुपर सिंपल वे में करेंगे। ओके दोस्तों, आइए कनेक्शन करते हैं। ये जो 100 ओम की रेजिस्टर है इसको इस ट्रांजिस्टर की बेस में लगा देता हूं, और इसकी कलेक्टर में लगेगा LED स्ट्रिप का नेगेटिव। ओके, अब दोस्तों एमिटर में लगेगा ऑडियो लाइन का नेगेटिव और पावर लाइन का नेगेटिव साथ में, तो दोनों नेगेटिव को मैंने एमिटर में लगा देता हूं। ओके, ये जो ऑडियो लाइन का पॉजिटिव ये लग जाएगा इस 100 ओम की रेजिस्टर की अलग साइड में। ओके, और बाकी जो LED स्ट्रिप का पॉजिटिव बचा वो इस पावर लाइन के पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगी। ओके, और कुछ नहीं करना दोस्तों, सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये सिंपल सर्किट है। अब ये LED स्ट्रिप म्यूजिक के साथ साथ चलने लगेगी। तो ये जो म्यूजिक का लाइन है इसको मैं एम्पलीफायर में लगा देता हूँ और गाना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये जो पावर लाइन, इसमें वोल्टेज दे देता हूँ। ये जो स्ट्रिप जितना वोल्ट की है उतना वोल्ट इसमें देना होगा। तो अगर आपका स्ट्रिप 4 वोल्ट का है तो 4 वोल्ट दीजिए, मेरा स्ट्रिप 12 वोल्ट का तो मैं 12 वोल्ट दूंगा। दोस्तों, इस सर्किट को यूज करके मैंने होम थिएटर के ऊपर एक बेस रिएक्टिव लाइट बनाया जो कि बेस के साथ साथ ब्लिंक करती है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। अगर इस तरह के कॉन्टेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।